सब फ्रॉड है भाई, फ्रॉड, टाटा मोटर्स फ्रॉड। तुम एक नंबर के चोर हो साले, तुम्हारी गाड़ी कभी जिंदगी में ना मैं लूंगा ना किसी को लेने दूंगा, तुम देख लेना। तुम एक बार भले ठग दियो मुझको ना, मैं लाइफ में कभी किसी को गाड़ी ना लेने दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ गाइस, मैं आपसे बता नहीं सकता, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ भाई। ये लोग बहुत ज्यादा मतलब चोर टाइप के आदमी है यार, इनके सर्विस से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, क्योंकि ना मेरा कोई टाटा मोटर्स सुनता है ना ये सर्विस सेंटर वाले सुनते हैं। तो भाई टाटा मोटर से लेके इसका सर्विस सेंटर सब मुझे अब फ्रॉडी लगते हैं, और ये फ्रॉडी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं ये मुझे। बाकी मैं कार्स 24 पे डाला हूँ, अगर देखो गाड़ी का अच्छा डील मिलता है तो मैं बेच दूंगा। टाटा की रीसेल वैल्यू नहीं है ना यार, इसलिए बेच के कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ चलाऊं, लेकिन क्या यार ऐसे अगर सर्विस मिलेगा तो फिर क्या ही मैं चलाऊंगा। अगर मैं इसको बेचता भी हूँ तो गाइस वो पैसा तो बैंक वालों को चला जाएगा, जो मेरा लोन है और जो मैं थोड़ा बहुत जो मेरा पैसा इसमें लगा था, मतलब जो मैं थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट किया था, जो मेरा 7-8 महीना EMI कटा है, वो भी मेरा पैसा वेस्ट जाएगा। मतलब मुझे मिला कुछ नहीं, मेरा गाड़ी भी गया, मेरा पैसा भी वेस्ट गया। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं आपसे पहले तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी टाटा की कार बुक कराए हो, टाटा की कार लेने जा रहे हो, बिल्कुल मत लेना भाई, मत लेना बिल्कुल। रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के आपसे बोलता हूँ भाई, प्लीज मत लेना टाटा की कार, मत लेना प्लीज भाई, क्योंकि आप बहुत बुरा फंस जाओगे। मैं फंस चुका हूँ, मेरे पास टाटा अल्ट्रोज एक्जेड है, ओके एक्जेड मॉडल है, और मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ टाटा से, इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मैं परेशान आके कल के डेट में अपनी कार को कार्स 24/7 पे सेल आउट करने के लिए डाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। ये मैं इसलिए डाला हूँ क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ। मैं आपको अब बताता हूँ गाइस, मैं क्यों इतना ज्यादा परेशान हूँ टाटा की कार लेके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारी वीडियो बनाए हूँ कि टाटा का सर्विस खराब है, टाटा का सर्विस खराब है, जो कि है नो डाउट, और इसमें कहीं ना कहीं कंपनी का भी दोष है, क्योंकि कंपनी ऐसा वो लोग सर्विस कर रहे हैं, कंपनी का कोई सर्वेयर जाके चेक नहीं कर सकता है कि सर्विस सेंटर में कैसे सर्विस हो रहा है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास टाटा अल्ट्रोज एक्जेड है और मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बना रहा हूं अपना जो सर्विस सेंटर है मेरा, या फिर जो भी टाटा का सर्विस सेंटर है उनके लिए। टाटा की गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है टाटा की कार में, बहुत मस्त चलती है मेरी टाटा अल्ट्रोज। सिर्फ मैं परेशान हूँ सर्विस से, और टाटा का सिर्फ एक ही चीज खराब लगता है, वो है सर्विस। ओके, ना तो इनके सर्विस सेंटर में कभी पार्ट्स रहता है, ना तो इनके सर्विस सेंटर वालों को कुछ करने आता है। मैं गाइस करने कुछ और लेके गया था, मेरी गाड़ी का बैंड बजा दिए हैं ये लोग नीचे से। ओके, मैं अभी आपको फोटो लगा लगा के साइड में दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कल की डेट में एक वीडियो डाला था कि भाई देखो मेरा जो गाड़ी है वो नीचे से लग चुका है, प्लास्टिक का एक कोई पार्ट है वो टूट चुका है, और वो 224 रुपए का था। वो पार्ट बदलने के चक्कर में ये लोग पूरा नीचे से लोहा टेढ़ा कर दिए हैं। 4 पाइप होता है, जो कि 2 ब्रेक ऑयल का होता है, 2 पेट्रोल का होता है। पाइप मतलब कि वहां से पूरा मुड़ गया है, पाइप पूरा मुड़ गया है, कभी भी वो पाइप लीक कर सकता है वहां से पेट्रोल। लेकिन फिर भी इनके सर्विस सेंटर वाले बंदे को इतना नहीं पता है उस चूतिए को कि कहाँ पे जैक लगाते हैं भाई, उसको जैक लगाने के लिए नहीं पता है कि जैक लगाते कहाँ पे हैं। जैक का प्रॉपर जगह दिया हुआ है चेचीज के पास, वो जैक लगा दिया, वो जो चारों पाइप है उसमें पूरा इतना बड़ा लोहे का जैक फंसा के पूरी गाड़ी को लिफ्ट कर दिया, और वो पूरा जो पाइप है मेरा वहां से पूरा ऐसे मुड़ के बेंड हो गया है। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, मतलब भाई इन लोगों को इतना पता नहीं है कि जैक कहाँ पे लगाते हैं। टाटा की सर्विस सेंटर की मैं बात कर रहा हूँ, इतने बड़े ये लोग मतलब चोरकट हैं, काम करने में इतना चोरी, इतना चोरी। मेरा ऐसा मन हुआ है ना भाई टाटा की गाड़ी से, इतना ज्यादा मेरा मतलब दिमाग खराब है, इतना मेरा मन उब चुका है टाटा की गाड़ी से, मतलब मैं मन कर रहा हूं कि इसको मैं क्या ही कर दूं, इतना ज्यादा बेकार सर्विस भाई, इतना ज्यादा बेकार। तो मतलब अभी मैं आगे आपको बताता हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, टाटा तो चलो सर्विस बेकार दिया वो तो ठीक है, कस्टमर गाड़ी के अंदर घुस के अपना पाइप चेक कर रहा है कि कहाँ पे मुड़ा है, इनको कोई मतलब नहीं है। अब वहां से देखिए, पाइप में ये लोग जैक लगाए थे, पाइप मेरा मुड़ गया, वहां से पेंट छोड़ दिया। तो ये लोग बोले सर हम आपके गाड़ी में, सर क्या भाई मैं तुम्हारे गाड़ी में पेंट लगा देता हूँ, सर तो कोई बोलता ही नहीं है वहां पे, मैं तुम्हारे गाड़ी में पेंट लगवा देता हूँ, लेके जा चलावा कुछ ना हो। अब मैं आपको सर्विस सेंटर की भी बात बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में अपने सर्विस सेंटर का नाम नहीं लेता हूँ, आज मैं ले रहा हूँ ब्रिजलेक्स मोटर्स वाराणसी।
ब्रिजलेक्स मोटर्स वाराणसी में सर्विस सेंटर है, बनारस में भाई एक नंबर का चोरकट सर्विस सेंटर है, एक नंबर का चोर सर्विस सेंटर है। सब के सब साले चूतिया बनाते हैं, उन सबको कुछ भी नहीं आता जाता है, सब के सब एक नंबर के फ्रॉड हैं। इस सर्विस सेंटर को टाटा बंद करो। अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो ना तो इस सर्विस सेंटर को बंद करो, तब मैं जानूंगा कि हाँ भाई टाटा कुछ एक्शन लेता है। ये बिल्कुल फ्रॉड है, ब्रिजलेक्स मोटर एक नंबर का फ्रॉड है। इनके जो है अरे भाई मैं तुम्हारे सामने 10 लोग ऐसे खड़ी कर दूंगा जो ब्रिजलेक्स मोटर को गाली देते हैं। अगर टाटा मुझसे बोलेगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं 10 से ज्यादा ऐसे लोगों को खड़ा कर दूंगा जो कि ब्रिजलेक्स मोटर्स के बारे में, मतलब सब लोग परेशान रहता है भाई उस सर्विस सेंटर से, इतना ज्यादा बेकार सर्विस सेंटर है। और कोई भी बनारस से ब्रिजलेक्स मोटर से सर्विस कराता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है भाई कमेंट करो, मिल के इनकी बैंड बजाएंगे। क्योंकि भाई एक बहुत बढ़िया कंपनी टाटा ब्रांड को ना ये लोग एकदम निस्तो नाबूद करने पे तुल गए हैं। इन जैसे सर्विस सेंटर के वजह से ही इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लोग इतना ज्यादा परेशान होते हैं। अब मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ, ब्रिजलेक्स मोटर सर्विस सेंटर का मेरे नाम है, जैक लगाना चाहिए, कहाँ लगाए थे वो लोग, कहाँ अंदर से भाई मेरे गाड़ी का पूरा चद्दर मोड़ दिए हैं वो लोग। अब आप खुद सोचो, नई गाड़ी है यार, और उसके बाद मैं बोला कि मेरा चद्दर मुड़ गया तो क्या बोल रहे हैं कि अगर बतावा तू ही जैक लगाता तो उसे ही मुड़ जाए इतना क्या करता। मतलब आप ही जैक लगाते और आपसे मुड़ जाता तो क्या हो जाता, मतलब कि रास्ते में कहीं गाड़ी पंचर हो जाती और हम जैक लगाते और हमसे वो पाइप मुड़ जाता तो हम क्या कर लेते। उनका ये बोलने का तरीका था, मतलब अपनी गलती कोई नहीं मान रहे। हम बोले कि हम टाटा मोटर्स में कंप्लेन करेंगे तो बोल रहे हैं जा कंप्लेन कर दा, तुम कंप्लेन करोगे तो हम बोल देंगे हमसे वो चीज हुआ ही नहीं है। भाई मतलब किस लेवल के तुम लोग फ्रॉड हो यार टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर वालों। टाटा भाई इन लोग पे ध्यान दो, क्या कर रहे हो आप टाटा, जागो। मारुति होंडा ये सब बाहर की कंपनियां जो हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है जैसे किया हो गई बाहर की कंपनी है, ये सब क्यों इतनी बिकती है, टाटा उतनी क्यों नहीं बिक रही है, इतनी बढ़िया 5-स्टार रेटेड कार बना रही है बिक क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं बिक रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि 2 कौड़ी का सर्विस। और अब तो मैं ना कभी टाटा की गाड़ी लूंगा ना कभी किसी को लेने दूंगा, भाई मैं इसको जल्दी जल्दी बेचूंगा। मेरा तो एकदम बहुत ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो चुका है भाई इस गाड़ी से, मैं इसके सर्विस से बहुत ज्यादा परेशान हूं। अगर मुझे अच्छा डील मिलता है तो मैं जरूर इसको बेचूंगा, अगर मुझे अच्छा डील नहीं मिला तो मजबूरी में भाई चलाना पड़ेगा। भाई मैं एक एक पैसा जुटा के ये गाड़ी खरीदा था कि चलो गाड़ी रहेगी, आराम से अपना गाड़ी पे घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अपने देश की कंपनी है। लेकिन भाई मेरा तो मन ही हट गया, कार से मेरा मन ही हट गया कि साला क्या मतलब है इसी गाड़ी रख के, जब आप दिन भर इसी में परेशान रहते हो। सर्विस करने जाओ, सर्विस कराने भाई साहब वहां पे लोगों के पीछे लगना पड़ता है भाई, कोई कुछ काम नहीं करता है। मेरे गाड़ी का पूरा लोहा वो लोग मोड़ दिए हैं भाई, अंदर से चद्दर मोड़ दिए हैं, चारों पाइप मोड़ दिए हैं, उसमें से पूरा ऑयल कभी भी लीक हो सकता है। मतलब वो ऐसे चद्दर पूरा टेढ़ा हो गया है भाई, ऐसा वो जैक लगाया था बंदा। और ऊपर से वो बोले हम पेंट करा दे रहे हैं आपका, तो उसके बाद से वो पेंट भी नहीं किया। मैं गाड़ी के अंदर घुस के अपने पाइप को पेंट किया था ब्लैक कलर से, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, मैं खुद से ये पेंट किया हूँ गाड़ी के अंदर सर्विस सेंटर में। मैं गाड़ी के नीचे घुस के अपनी गाड़ी का पाइप खुद से पेंट किया हूँ ताकि वहां पे मुरछा ना लगे। अब आप सोच सकते हो कितना लेवल खराब है इनके सर्विस का भाई। मतलब मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, कभी भी आप टाटा की गाड़ी मत लेना यार, इनका सर्विस बहुत खराब है। सिर्फ ये मेरी कंप्लेन नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और सिर्फ मेरे सिटी में नहीं बहुत सारे सिटीज में ऐसे टाटा मोटर्स का कंप्लेन आता है जो कि इनकी सर्विस इतनी खराब है, खुद निंदा करते हैं, खुद बोलते हैं कि इनकी सर्विस कितनी ज्यादा बेकार है। भाई मेरा पूरा नीचे से लोहा मोड़ दिए ये लोग, कौन उसको ठीक करके देगा यार। ऊपर से जहां पे जैक लगाने का जगह है दोबारा ये लोग उसी जगह पे जैक लगाए थे, वो लोहा भी मोड़ दिया, ऐसा जैक लगाए वहां पे, आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में फोटो है। उसके बाद से एक बार मैं वीडियो डाला था कि मेरी गाड़ी को पीछे से ये लोग लड़ा दिए। टाटा भाई टाटा कंपनी भी बेकार है भाई, रद्दी कंपनी है रद्दी। साला अपने सर्विस सेंटर पे तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लोग क्या कंपनी चलाओगे बे। भाई कस्टमर एकदम परेशान हो गया इन लोगों के सर्विस से, और मैं तो भाई एकदम परेशान हो गया हूं। मतलब मुझे समझ ही में नहीं आ रहा कि क्या करूं, मतलब भाई इतना घटिया सर्विस ये लोग दे रहे हैं टाटा मोटर्स वाले। मतलब मैं अभी देखो सर्विस सेंटर से ही आया हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रहा हूँ, मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं हूँ भाई, सवेरे से ये लोग दौड़ाए थे, अभी मुझे छोड़े हैं, 5:05 शाम का। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो 5:00, ठीक है, ये पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है, मतलब इतना टाइम हो गया यार, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ भाई। मैं अभी सर्विस सेंटर से आया, मतलब पूरा मेरे गाड़ी के अंदर से पाइप मुड़ा हुआ है, लोहा मुड़ा हुआ है, जो कि मैं ले गया था एक प्लास्टिक का पार्ट बदलवाने, यही वो पार्ट था, यहाँ पे देख लो, ये मैं बदलवाने ले गया था, और ये लोग पूरा लोहा मोड़ दिए, पाइप मोड़ दिए, मतलब उसको बदलने के लिए जैक लगा के गाड़ी ऊपर करते, उसके बाद वो बदलते, तो इनका कोई लिफ्ट नहीं खाली था, तो ये लोग बोले कि सर हम जैक लगा के आपकी गाड़ी का पार्ट बदल दे रहे हैं। अब जैक लगाएं और जैक से ही पूरा लोहा टेढ़ा कर दिए, पाइप की जगह पे जैक लगा के पूरा पाइप मोड़ दिए,
भाई मतलब मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी ये लोग से, मैं गेट को रिपेंट कराया था, मेरा इस साइड वाला गेट है, ये मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि इस गेट को मैं पेंट कराया था, रिपेंट कराया था, गेट में लग गया था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना ज्यादा डिफरेंस है भाई, अलग ही चमकता है वो गेट जो मैं रिपेंट कराया हूँ ना, वो अलग ही चमकता है, मतलब ना उस पर कोई रबिंग है ना कोई पॉलिश है। तो भाई ये देखो टाटा मोटर्स का पेंट क्वालिटी, ये देख लो, ये टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर पेंट किया है, ये पहले का मेरा ओरिजिनल पेंट है इस डोर पे, और इस डोर पे वो लोग पेंट किए हैं, देख लो कितना डिफरेंस है, मतलब अलग से ही समझ में आ रहा है कि ये रिपेंट हुआ है, मतलब ऐसा थर्ड क्लास क्वालिटी देते हैं ये लोग टाटा सर्विस सेंटर वाले। और मैं यहाँ पे कलर मैच कराने एक दूसरे मतलब दूसरे शॉप में आया हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर मैच कराने बाहर एक मैकेनिक के पास आया हूँ, आप देख सकते हो कितना घटिया काम हुआ है। तो ये काम है जी टाटा मोटर्स का, मतलब गाइज ना वहाँ पे कोई रबिंग है ना कोई पॉलिश है, मतलब कुछ नहीं है भाई, वो गेट अलग ही चमकता है, ठीक है, मतलब ऐसा तो इन लोग का काम है दो कौड़ी का, मतलब भाई। और जाओगे ना सर्विस सेंटर में सब आपसे पैसा मांगेंगे, 400 रुपया दे दा, 500 रुपया दे दा, कुछ देबा ना, कुछ दोगे तो तुम्हारा काम जल्दी होगा, ऐसे भाई सब खुलेआम पैसा मांगते हैं भाई आपसे, 400-500 रुपया ऐंठ लेंगे सब, ऐसे ही सब ऐसे मुंह बात बाय रहेंगे कि भैया हमके कोई ना कोई तो पैसा दे ही दी, ऐसे मतलब अपने यूपी के भाषा में कि हमको कोई ना कोई तो पैसा देगा ही, और पैसा देंगे तो आपका काम थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा। भाई मैनेजर चोर, सीआरएम इसका चोर, टाटा का सीआरएम भी चोर है एक नंबर का, उसको भी कुछ आता जाता नहीं है भाई, खुल्ला बोल रहा हूं, जो उखाड़ना होगा तुम लोग उखाड़ लेना, साले मेरा तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, तुम लोग फ्रॉड हो, फ्रॉड तुम लोग फ्रॉड ही रहोगे, ठीक है। सीआरएम चोर, मैनेजर चोर, टाटा का एक और आदमी है वो भी मैनेजर के रैंक पे बैठा है वो भी चोर, साले सब चोर हैं भाई यहाँ पे, सब के सब चोर, लेबर चोर, सब चोर भाई, सब आपसे पैसा लूटने में लगे रहेंगे, सब चोर हैं भाई, सब ए टू जेड टाटा के सर्विस सेंटर में बनारस ब्रिजलेक्स मोटर्स में सब फ्रॉड हैं, सब चोर हैं, कोई अपनी गाड़ी लेके मत जाना, इनसे बड़ा चोर मैंने कभी देखा नहीं। जब मैं बोला कि मैं आपका कंप्लेन करूंगा तो ये बोलते हैं, इनका ये जो है सुपरवाइजर वो बोलता है कि जा कंप्लेन कर दा, करवा तो हम बोल दें कि हमसे तो ये भय लेना है, ऐसे बोला था भाई, ऐसे कोई बात करता है भाई, ऐसे कोई कस्टमर से बोलता है? सबसे बड़ी बात यार, हम 10 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, इतने तो गिरे नहीं होंगे, इतने तो गरीब घर के नहीं है कि हम, मतलब ऐसा लग रहा है भाई कि तुम साइकिल बनवाने लेके गए हो, खुद ही से सारा काम करो, खुद ही से पेंट करो नीचे, खुद ही से अपना जैक मंगाओ, खुद ही से उठाओ, मतलब लग के भाई। एक प्लास्टिक का पार्ट चेंज करने में मुझे आज शाम के 5 बज गया है 11 बजे का मैं गया हूँ, 12, 1, 2, 3, 4, 5 भाई 5-6 घंटा मेरा चला गया, मुझे क्या और कोई काम नहीं रहता है, मुझे क्या, मुझे यार भाई मैं गाड़ी लिया हूँ, इसका ईएमआई आता है 18,272 रुपए भाई, उस ईएमआई को चुकाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा ना, तब नहीं ईएमआई चुकाऊंगा। अब मैं इन लोगों के चक्कर में रोज दौड़ूंगा तो मैं कुछ तो काम कर नहीं पाऊंगा भाई। देखो टाटा की गाड़ी कभी मत लेना, आपका छोटा भाई समझो बड़ा भाई समझो, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, टाटा की गाड़ी कभी मत लेना, अगर टाटा की गाड़ी लेते हो भाई तो बहुत प्रॉब्लम आने वाला है आपको, बहुत प्रॉब्लम, आप सर्विस से परेशान हो जाओगे, कोई भी आपको भगवान भी आके बोले ना कि टाटा की गाड़ी ले लो 5 स्टार रेटेड कार है, कतई मत लेना भाई। इसीलिए टाटा बिल्कुल नहीं बिक रही है, टाटा इसीलिए इतना नहीं चल रहा है जितना बाकी गाड़ियां चल रही हैं, मारुति चल रही है, किया वगैरह चल रही है, ये सब बाहर की कंपनी होके भी भले 5 स्टार कार नहीं देती है यार, 5 स्टार रेटेड कार नहीं देती है, लेकिन उससे बढ़िया मारुति से बढ़िया इंजन टाटा कभी जिंदगी में नहीं बना सकता है, ठीक है, मारुति से बढ़िया बहुत चीज यार सर्विस, मेरे घर में ब्रेजा भी है, मतलब वो भी मेरे चाचा की है भाई, क्या गजब का सर्विस है मारुति का, टोयोटा का तो सर्विस भाई साहब तुम वहां पहुंचे नहीं कि एडवाइजर पहुंच गया तुम्हारे पास, ऐसा सर्विस सब बाहर की कंपनियां दे रही हैं, और ये इंडिया की कंपनियों के सर्विस के नाम पे कुछ नहीं दे रही है भाई। गाड़ी तो चलो एक बार तुम बेच दिया यार, लाइफ टाइम तुमसे सर्विस लेना है, जब तक उस गाड़ी को हम रखेंगे तुमसे सर्विस लेना है, तुम जब सर्विस ही खराब दे रहे हो तो घंटा का तुम कंपनी चलाओगे, घंटा तुम कार बेचोगे, मेरा तो 10 लाख गया पूरा पानी में, मैं तो सोच रहा हूँ भाई मैं अपने 10 लाख को आग लगा के फूंक दिया हूँ, ठीक है, मैं 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था, मतलब डाउन पेमेंट तो नहीं, एफडी करा के मैं लोन लिया था, पूरा 10 लाख का मेरा लोन हुआ था, 9,20,000 या 30,000, तो 18,272 रुपए मेरा ईएमआई आता है भाई, मैं ऐसी गाड़ी चला के ईएमआई भरूंगा, मतलब मुझे तो एकदम समझ में ही नहीं आ रहा यार, मतलब मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, आप देख रहे हो मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार अत करें टाटा वाले, बहुत बड़े फ्रॉड हैं भाई ये लोग, मतलब क्या बताऊं भाई, अब हम कुछ बोल नहीं सकते इससे ज्यादा, टाटा बहुत बेकार हो तुम भाई, तुम्हारी हम गाड़ी लेके बहुत बड़ी गलती की है भाई, मत लेना कोई भी टाटा की गाड़ी भाई, मत लेना टाटा की कोई भी गाड़ी,
अदरवाइज आप भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। देखना एक दिन आप टाटा के सर्विस से बहुत परेशान हो जाओगे। टाटा गाड़ी बहुत बढ़िया बनाता है, बहुत बढ़िया गाड़ी है अल्ट्रोज, लेकिन इसके सर्विस से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरा पूरा वो लोग चद्दर पाइप सब कुछ मोड़ दिए हैं, कोई किसी तरीके का हेल्प नहीं करता है। टाटा को मेल करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं भाई, मतलब कुछ भी नहीं यार। मतलब अपने भाई, मैं यूट्यूबर हूँ तब ये हाल है, मैं मेरा यूट्यूब पे छोटा मोटा जैसा भी चैनल है, फिर भी टाटा मोटर्स जो सर्विस सेंटर है उसको डर नहीं है। तो अब नॉर्मल आदमी को तो भाई ये कच्चा खा जाएंगे। नॉर्मल आदमी को तो मतलब कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, उसको तो गाली दे के मार के भगा देंगे। जैसे मुझे एक बार गाली दे दिया था कि ये पागल है, मुझे पागल बोल दिया था इसका जो सुपरवाइजर है। हाँ, मतलब सब फ्रॉड है भाई, फ्रॉड, टाटा मोटर्स फ्रॉड। तुम एक नंबर के चोर हो साले, तुम्हारी गाड़ी कभी जिंदगी में ना मैं लूंगा ना किसी को लेने दूंगा, तुम देख लेना। तुम एक बार भले ठग दियो मुझको ना, मैं लाइफ में कभी किसी को गाड़ी ना लेने दूंगा। मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ गाइस, मैं आपसे बता नहीं सकता, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हूँ भाई। ये लोग बहुत ज्यादा मतलब चोर टाइप के आदमी है यार, इनके सर्विस से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि ना मेरा कोई टाटा मोटर्स सुनता है, ना ये सर्विस सेंटर वाले सुनते हैं। तो भाई टाटा मोटर्स से लेके इसका सर्विस सेंटर सब मुझे अब फ्रॉडी लगते हैं, और ये फ्रॉडी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं ये मुझे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब मैं बोलूँगा तो इनको खूब गाली देने का मन कर रहा है, गाली दे दूंगा, लेकिन भाई मुझे गाली देना नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये जैसा कि ये सही है, अब तो कैसे भी इसको चलाना ही है। बाकी मैं कार्स 24 पे डाला हूँ, अगर देखो गाड़ी का अच्छा डील मिलता है तो मैं बेच दूंगा। टाटा की रीसेल वैल्यू नहीं है ना यार, इसलिए बेच के कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको बेचना नहीं चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ चलाऊं, लेकिन क्या यार, ऐसे अगर सर्विस मिलेगा तो फिर क्या ही मैं चलाऊंगा। अगर मैं इसको बेचता भी हूँ तो गाइस वो पैसा तो बैंक वालों को चला जाएगा, जो मेरा लोन है, और जो मैं थोड़ा बहुत जो मेरा पैसा इसमें लगा था, मतलब जो मैं थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट किया था, जो मेरा 7-8 महीना ईएमआई कटा है, वो भी मेरा पैसा वेस्ट जाएगा। मतलब मुझे मिला कुछ नहीं, मेरा गाड़ी भी गया, मेरा पैसा भी वेस्ट गया। बट कोई बात नहीं यार, थोड़ा 2-3-4 लाख का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मैं इसको रखूंगा नहीं, क्योंकि इतना टेंशन लेके कार रखने से बढ़िया यार, कार लोग सपना होता है किसी का, मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग हैं, हम लोग का सपना होता है कि कार हो, लेकिन यार ऐसा कार भाई हमको नहीं चाहिए भाई। हमको इतना टेंशन नहीं चाहिए अपने लाइफ में, हम बहुत फ्री माइंड होके रहने वाले लड़के हैं, और भगवान अगर चाहेंगे तो दोबारा अच्छी इससे अच्छी कार लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, और अच्छे कंपनी की कार लेंगे जहाँ पे हमको सर्विस अच्छा मिले, क्योंकि बहुत बेकार सर्विस है भाई इनका, बहुत बेकार। बहुत ज़्यादा परेशान हो के हमको ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करो, कभी भी टाटा की कार ना लो। तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में, चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।